इसमें कोई शक नहीं कि रूस की सेना यूक्रेन की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है और उसके पास हथियार भी ज्यादा हैं। लेकिन यूक्रेन भी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। कई मोर्चों पर यूक्रेन ने रूस को पीछे धकेला है। एक तरफ बात अभिमान की है, दूसरी तरफ आत्मसम्मान की है। एक तरफ रूस ने कीव की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने कीव को बचाने में पूरी ताकत लगा दी है। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि कीव गिरा तो युद्ध हाथ से गया। पुतिन को भी ये मालूम है कि कीव हाथ आया तो वो लड़ाई जीत जाएंगे, क्योंकि कीव राजधानी है और यही है प्रेसिडेंशियल पैलेस भी। लेकिन ज़ेलेंस्की डटे हुए हैं। कीव यूक्रेन की राजधानी है। कीव में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की एज ए प्रेसिडेंट वहां रहते हैं। कीव एक राष्ट्र का एक चिन्ह है, पहचान है। तो जब तक कीव नहीं गिरेगा तो ये आप समझिए यूक्रेन ने पूरी तरह से सरेंडर नहीं किया है। डोनबास रीजन में यदि रूस कई क्षेत्र ले भी लेता है, सी ऑफ अज़ोव, ब्लैक सी में भी पोर्ट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, तो भी कीव एक ये प्रतिष्ठा का चिन्ह है। यूक्रेन की सेना ने हिट एंड रन की स्ट्रेटजी अपनाई है। नेटो देशों से मिल रहे हथियारों ने उनका हौसला बढ़ाया है। इन्हीं हथियारों के दम पर रूस की सेना दूर से निशाना साधने पर मजबूर है। रूस अभी तक यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में नाकाम रहा है। यूक्रेन की सेना के मुकाबले रूस की सेना ज्यादा बड़ी है और उसके पास हथियार भी ज्यादा हैं। ये बात सच है कि हथियारों के मामले में रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अगर नेटो देशों की ताकत यूक्रेन के साथ मिल जाती है तो संतुलन बिगड़ जाता है। नेटो देशों के पास 54,05,700 सैनिक हैं, तो रूस के पास 13,50,000। नेटो के पास 20,723 लड़ाकू विमान हैं, तो रूस के पास 4,173। नेटो के पास 14,682 टैंक हैं, तो रूस के पास 12,420। नेटो देशों के पास 5,040 सेल्फ प्रोपेल्ड तोपें हैं, तो रूस के पास 6,574। नेटो देशों के पास 2,049 मिलिट्री शिप्स हैं, तो रूस के पास 605। नेटो के पास 144 पनडुब्बियां हैं, तो रूस के पास 70। और अब सबसे निर्णायक, नेटो के पास 6,065 परमाणु बम हैं, तो रूस के पास 6,255। यही वजह है कि नेटो के तमाम देश रूस से सीधा सीधा मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूस के पास जो परमाणु बम हैं, वो दुनिया के किसी भी शहर को अपना निशाना बना सकते हैं। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, तो आर्टिकल 5 के तहत तो नाटो घुस नहीं सकता। दूसरी बात है कि यदि नाटो घुसता है यूक्रेन में, मिलिट्री बूट्स ऑन द ग्राउंड लाता है, ट्रुप्स फिजिकली लैंड करते हैं, तो ये वर्ल्ड वॉर 3 होने से कोई रोक नहीं सकता। तब रूस कहेगा ये वर्ल्ड वॉर 3 है और विश्व युद्ध 3 छिड़ेगा। लेकिन फिर भी यूक्रेन ने रूस के 15,000 सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। नेटो का अनुमान है कि अब तक 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि रूस के दावों के मुताबिक अभी तक उसके 1,351 सैनिक ही इस युद्ध में मारे गए हैं, जबकि रूसी आक्रमण में उसने 14,000 यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया है और 16,000 घायल हुए हैं। हालांकि रूसी अखबार कोम्समोलोस्काया प्रवादा के मुताबिक 21 मार्च तक रूस यूक्रेन युद्ध में 10,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। अखबार ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह खबर छापी थी, लेकिन बाद में इस खबर को हटा लिया गया और कहा गया कि अखबार की वेबसाइट हैक कर ली गई, जिसके कारण गलत आंकड़ा सामने आ गया।